हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल नंबर 6, दैट इज अ बैलेंसिंग। ओके, इट्स अ फर्स्ट पार्ट इज अ रोटर डायनामिक्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट चैप्टर एंड टुडे इज अ प्योर वी विल लर्न ओनली बैलेंसिंग। सो गाइस, यहाँ पे बैलेंसिंग के दो टाइप्स हैं। एक है स्टैटिक एंड डायनामिक्स। बैलेंसिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, तो समटाइम्स काफ़ी रेयरली है, बट इन लाइन इंजन के ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूमेरिकल, मुझे आपके साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है अभी तक का, जो कि मुझे बैलेंसिंग के रिगार्डिंग मुझे आपके साथ बताना चाहिए, क्योंकि आप उसको एग्जाम में फेस करोगे। सो गाइस, हमेशा याद रखना कि बैलेंसिंग के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो अराउंड 10 to 12 मार्क्स के होते हैं। 10 to 12 मार्क्स के होते हैं, उसका वेटेज होता है गाइज। बट यहाँ पे दो टाइप के मेथड्स हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड काफ़ी इजी है बट काफ़ी लेंदी है, और ग्राफिकल मेथड में आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना डायग्राम एक्यूरेट होगा, फोर्स पॉलीगॉन, कपल पॉलीगॉन, जितना एक्यूरेसी होगा उतना बेटर होगा। ओके, बट वंस अगेन इट्स अ वेरी लेंदी, समटाइम्स इट्स बिकम्स वेरी लेंदी। सो अगर आप इसको सोच रहे हो कि मैं आपका सपोज 3 आवर्स का टाइमिंग है और आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 3 बजे, और या फिर 2:30 को पेपर स्टार्ट हो रहा है, और आपको सबसे इजी न्यूमेरिकल दिख गया बैलेंसिंग का, और आपने उसको तुरंत सॉल्व करने को लिया क्योंकि आपने जो किया था वही एग्जाम में न्यूमेरिकल आया, बट रिमेंबर इट विल टेक मिनिमम 45 मिनट्स। इट विल टेक मिनिमम 45 मिनट्स। ओके, तो अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप सोच रहे हो कि बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा फिर बाकी का पेपर मैं सॉल्व करूंगा, ओके, तो हो सकता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस है कि आप बाकी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। सो इट्स माय एक्सपीरियंस कि बैलेंसिंग को तभी हाथ लगाना है जब आपके पास लास्ट 1 आवर बाकी है। जब आपके पास लास्ट 1 आवर बाकी है, आपका ऑलमोस्ट 80-70% आपका पेपर सॉल्व हो चुका है, बैलेंसिंग आपको आता है, तो बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से बैलेंसिंग को सॉल्व करने के लिए बैठ जाना। ओके, बट एक चीज़ और याद रखना है कि आपको 3 आवर्स का अगर पेपर है, 3 आवर्स का बेसिकली पेपर होता है, तो एक क्वेश्चन को, ना कि सब क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, टोटल वन क्वेश्चन को जिसका वेटेज होता है 20 मार्क्स, उसको मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स। ओके, 45 मिनट्स उसका आइडियल टाइमिंग होता है। अगर क्वेश्चन 1 हो 2 हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बट एक क्वेश्चन को अगर 45 मिनट्स के ऊपर अगर आपको टाइम जा रहा है, देन रेड अलर्ट, आप पूरा पेपर चाहते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना है कि बैलेंसिंग अभी आपको कभी सॉल्व करना है जब लास्ट का 1 आवर बाकी है, तो बैलेंसिंग को सॉल्व करने के लिए लेना है। बैलेंसिंग डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी सिंपल है, बट यहाँ पे टाइम जाएगा। ओके, सो पकड़ के चलो लास्ट 1 आवर। और एक और चीज़ में एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल जो होता है, तो उसका जो गिवन डेटा है, उसका जो टेबल है, उसका जो लीनियर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है, वो ट्राई करना। आपका बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल आपको लेफ्ट साइड के पेज से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से ही, पेज के से ही स्टार्ट करना है। क्यों करना है वो न्यूमेरिकल में दिखाता हूँ। अगर वैसे नहीं करते हो, देन पकड़ के चलो 45 मिनट्स के जगह पे 1.5 आवर आपको लगेगा। ओके, चलो मैं आपको डराता नहीं ज़्यादा, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स को। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। बेसिकली जो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग होता क्या है। गाइस, वाइब्रेशन का ही पार्ट है बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंस वाइब्रेशन क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अनबैलेंस क्रिएट होते हैं। अनबैलेंस क्रिएट क्यों होता है वहाँ पे, इसेंट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक माउंटिंग हो के वजह से वहाँ पे क्या होता है, रोटेशनल एक्सिस एंड सीजी एक्सिस गेट डिफर। सो वहाँ पे क्या होता है, अनबैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस कपल्स क्रिएट होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है। सो बैलेंसिंग क्या काम है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग कम्प्लीटली या तो फिर पार्शली, जितना हो सके ट्राई करना है कम्प्लीटली, अदरवाइज पार्शली हमें क्या करना है, इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन कंपोनेंट्स। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग, यहाँ पे मिस हो चुका है वर्ड्स, तो जस्ट वेट,
एलिमिनेटिंग पार्शली और कंप्लीटली द इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन कंपोनेंट्स। ओके, तो पार्शली करना है या तो फिर कंप्लीटली करना है, बट किसको बैलेंस करना है? अनबैलेंस फोर्सेस एंड कपल्स को। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर। फर्स्ट इज अ स्टैटिक फोर्स, सेकंड इज अ डायनेमिक फोर्स। तो स्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्स ड्यू टू इट्स ओन मास, ड्यू टू इट्स ओन वेट। मतलब वो स्टडी कंडीशन में है, तो स्टडी कंडीशन में एक ही फोर्स एक्ट होता है उसका खुद का वेट डाउनवर्ड में। नेक्स्ट डायनामिक फोर्स, द फोर्सेस ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो इसके वजह से जो फोर्सेस एक्ट हो गए कंपोनेंट पे उसको बोलते हैं डायनामिक फोर्सेस। गॉट इट? स्टैटिक फोर्स में अगर सिर्फ इट्स ओन वेट या तो फिर मास, और डायनामिक फोर्सेस में क्या आ गया, द फोर्सेस ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग, ये थी फोर्सेस, अभी देखते हैं बैलेंसिंग। फर्स्ट इज द स्टैटिक बैलेंसिंग, सेकंड इज द डायनेमिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग देखते हैं, द सिस्टम इज सेट टू बी स्टैटिकली बैलेंस्ड इफ द सीजी ऑफ द सिस्टम लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द सिस्टम। अगर उसका सीजी रोटेशनल एक्सिस पे मैच होता है देन इट इज स्टैटिकली बैलेंस्ड। और उसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? समेशन ऑफ डायनेमिक फोर्सेज शुड बी इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ डायनेमिक फोर्सेज शुड बी इक्वल टू जीरो, वो किसके लिए है? स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए। तो डायनेमिक बैलेंसिंग क्या है? तो डायनेमिक बैलेंसिंग का मैथमेटिकल कंडीशन ये है, मुझे सिर्फ समेशन ऑफ डायनेमिक फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो ही नहीं चाहिए, एंड मुझे कपल भी क्या चाहिए? जीरो चाहिए। समेशन ऑफ डायनेमिक कपल शुड बी इक्वल टू जीरो। इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो एंड द रिजल्टेंट कपल्स आर ऑल्सो जीरो, देन सिस्टम इज सेट टू बी इन डायनेमिक बैलेंस। तो यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस या तो फिर कपल्स जीरो होके नहीं चलेगा, फोर्सेस एज वेल एज कपल दोनों का भी एडिशन कितना आना चाहिए? जीरो, देन इट विल बी डायनामिकली बैलेंस। गॉट इट? स्टैटिक बैलेंसिंग में फोर्स जीरो होना चाहिए एंड डायनेमिक बैलेंसिंग में फोर्स एज वेल एज कपल्स बैलेंस, कपल्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सो चलो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था जो कि मैं बोल रहा था, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, जो गिवन डेटा है जो लीनियर पोजिशन डायग्राम है, और यहाँ पे नहीं हुआ एडजस्ट, बट आपको एडजस्ट करना है। ये होती है एंगुलर पोजीशन और ये टेबल, जितना हो सके इतना लेफ्ट साइड के पेज पे आपको एडजस्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर वन गाइज, यहाँ पे मैंने दिया है 12.6.1 पेज नंबर 10-10, आप टेक मैक्स में रेफर कर सकते हो ये न्यूमेरिकल 10.6.1। ओके, क्या बोला है? ए रोटेटिंग शाफ्ट कैरीज फोर अनबैलेंस्ड मासेस। पता चल गया बैलेंसिंग का न्यूमेरिकल है। ए शाफ्ट है, इट कैरीज द फोर अनबैलेंस्ड मासेस m1 m2 m3 m4 ऑफ अ मैग्नीट्यूड्स 20 kg, 15 kg, 17 kg, 14 kg, रिवॉल्विंग इन ए रेडियस 60 mm, 80 mm, 100 mm, 60 mm respectively. The masses M2, M3, M4 revolve in a planes 100 mm, 180 mm, 300 mm respectively from the plane of mass M1. And they are angularly located at 65 degree, 145 degree, 270 degree respectively, measured in anticlockwise direction from the mass M1. Looking from the mass end of the shaft, the shaft is to be dynamically balanced by two masses, both located at 70 mm radius and revolving in a plane midway between those of M1 and M2 and midway between those M3 and M4. Determine magnitude of the balancing masses and their respectively angular position. So there are four masses are given, M1, M2, M3, M4, 20 kg, 15 kg, 17 kg and 14 kg. Having a radius, this radius is indicates eccentricity because there is an unbalance. So it's a CJ axis and rotational axis are the different. So there is a distance is maintained between these two axes. So 60 mm, 80 mm, 100 mm and 60 mm
इट इंडिकेट्स इसेंट्रिसिटी, बट वी विल कॉल इट एज अ रेडियस. ओके, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 16. सो M1, M2, M3 का रेडियस दिया हुआ है. द मासेस M2, M3, M4 रिवॉल्व इन अ प्लेन्स 100 mm, 180 mm, 300 mm रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द प्लेन ऑफ M1. सो M1 से उनका क्या दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है. M1 से M2 का डिस्टेंस है 100 mm, M1 से M3 का डिस्टेंस है 180 mm, M4 से उसका डिस्टेंस है 300 mm. सो हियर M1 इज अ रेफरेंस मास. दीज आर ऑल्सो एंगुलरली लोकेटेड एट 65 degree, 145 degree, 270 degree रिस्पेक्टिवली मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द मास M1. सो अगेन M1 इज अ रेफरेंस मास, वहाँ से उसका एंगल दिया हुआ है 65 degree, 145 degree, 270 degree, बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द शाफ्ट इज टू बी डायनेमिकली बैलेंस्ड बाई टू मासेस. सो बैलेंसिंग का कितने से मासेस से करना है, टू मासेस से. दिस बोथ आर लोकेटेड एट 70 mm रेडियस. ओके, तो बोथ मासेस का उन्होंने रेडियस दिया हुआ है 70 mm. दीज आर रिवॉल्विंग इन अ प्लेन मिडवे बिटवीन दोज ऑफ M1 एंड M2. ओके, तो जो दो मासेस है वो कहाँ पे उसका पोजिशन रहेगा, M1 एंड M2 के मिडवे में, और दूसरे का M3 एंड M4 के मिडवे में. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द बैलेंसिंग मासेस. सो आपको बैलेंसिंग मासेस के मासेस निकालने हैं एंड देयर एंगुलर पोजिशन सबको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी, फोर मासेस आर गिवन, M1, M2, M3, M4, 2015, 17, 14. नेक्स्ट रेडियस आर ऑल्सो गिवन, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 60 mm एंड एंगल्स आर मिसिंग हियर, 65 डिग्री, 45, 145, 270. 65 इज फॉर M2, M3, M4, और M1 क्या है, यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस है. सो थीटा 1 रहेगा 0 डिग्री, थीटा 2 का 65 डिग्री फ्रॉम M1. 0 डिग्री इसलिए क्योंकि वो रेफरेंस एक्सिस है. M3 का है 145. What about M4? 270. Okay, these angles are given. Next बोला है balancing done by two masses. So उसको MB1, MB2 बोला. And radius are also given. So balancing का इसलिए RB1, RB2. कितना है? 70 mm. 70 into 10 raised to minus 3 meter. Okay. और उन्होंने one more data दिया हुआ है. 100 mm, 180 mm, 300 mm respectively from the mass M1. So M1 से उनका linear position भी given है. तो मैं काम करता हूँ, M1 को सबसे पहले draw किया. So this is a linear position जहाँ पे हम CG को as a balloon की तरह शो करते हैं. हम CG को balloon की तरह शो करते हैं. Okay, so this is a first mass, second mass, third mass, fourth mass. और उसका जो डिस्टेंस है, सीजी का रोटेशन एक्सिस है, वो इंडिकेट करता है R1, R2, R3, R4 या तो फिर RB1, RB2. सो सेकेंड मास का डिस्टेंस है 100 mm, M3 का डिस्टेंस है 180 mm एंड M4 का डिस्टेंस है 300 mm रिस्पेक्टिवली. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू एट बैक साइड. सो जो नेक्स्ट जो डेटा है वो आपको यहीं पर एडजस्ट करना है, यहीं पर होना चाहिए. तो ये डायग्राम काफी स्मॉल होना चाहिए तो जाके वो एडजस्ट होगा. फिर उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं. M1 को उन्होंने क्या बोला है, रेफरेंस एक्सिस, तो उसका एंगल आएगा 0. थीटा 2 कितना था, 65 डिग्री. थीटा 2 65, M2 मिला. थीटा 3 कितना है, 14 डिग्री. ओके, सो ये M3 है. नेक्स्ट थीटा 4 कितना है, 270 डिग्री. थीटा 4 270. सो इनिशियली आपके पास M1 रहेगा, M2 रहेगा, M3 रहेगा. इनिशियली आपके पास नहीं होगा क्योंकि ये अननोन है, ये गिवन नहीं है. नेक्स्ट आपको करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, MB1, MB2, थीटा B1, थीटा B2, एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करना है. तो लीनियर पोजीशन के बाद एंगुलर पोजीशन का डायग्राम ड्रॉ किया, फिर उसके बाद आपका टेबल आएगा.
बेसिकली यहाँ पे होता क्या, फोर्स क्या होता है, फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बट ऑन द सेम शाफ्ट, शाफ्ट अगर सेम है तो उसका ओमेगा मीन्स आरपीएम, रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सबके लिए सेम रहेगी, तो वो सबके लिए कॉमन रहेगी, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम आर को, क्योंकि ओमेगा सबके लिए कॉमन रहेगा, वो बाद में जाके कैंसिल होगा। सो एफ सी इज इक्वल टू एम आर। एंड वॉट अबाउट कपल, कपल क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो एम इन टू आर, ये तो फोर्स हुआ, इन टू डिस्टेंस एल, सो यू विल गेट कपल। सो फोर्स का यूनिट हम न्यूटन में ही बोलेंगे, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस, सो केजी मीटर। एंड व्हाट अबाउट कपल, केजी मीटर मीटर, सो केजी मीटर स्क्वायर। गॉट इट? सो लेट्स सी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। तो फोर्स के लिए मुझे मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये कॉलम है फोर्स का, और दूसरा है कपल का। सो फोर्स कहाँ से मिलेगा, केजी इंटू रेडियस, सॉरी मास इंटू रेडियस। तो सबसे पहले प्लेन, प्लेन नहीं लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली आप लिख सकते हो मासेस। तो फर्स्ट मास कितना है, 20 kg है, M1, ओके। बट ये जो सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस आपको देखने के लिए रेफर करना पड़ेगा लीनियर पोजिशन वाला डायग्राम, ओके। लीनियर पोजिशन में यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, बैलेंसिंग मासेस बोला था MV1 MV2, और MV1 का लोकेशन था मिडवे बिटवीन ए एंड बी, M1 एंड M2, और MV2 का उसका पोजीशन था मिडवे बिटवीन M3 एंड M4, तो हमने उसको क्या किया, एज अ डॉटेड लाइन से हमने इंडिकेट किया, ओके। सो एज अ डॉटेड हमने उसको क्या किया, मासेस को शो किया हुआ है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस है आपको उसी को फॉलो करना है टेबल में। तो सबसे पहले क्या आता है, M1, उसके बाद MV1, उसके बाद M2, देन M3, देन MV2, देन लास्ट में M4। तो ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है टेबल में। M1 वो था 20 kg, MV1, M2 15 kg, M3 17 kg, और मिडवे था MV2, देन M4 14 kg। नेक्स्ट, ऑल रेडियस आर गिवन इन गिवन डेटा, M1 का दिया था, M2 का दिया था, M3 का दिया है, M4 का दिया है, और बैलेंसिंग मासेस का बोला था 70 mm, तो 0.07 एंड 0.07 है, तो ऑल रेडियस आर गिवन। सो टेक अ प्रोडक्ट, 20 इंटू 0.6 यू विल गेट 1.2, MV1 इंटू 0.07, सो 0.07 इंटू MV1 मल्टीप्लाई करके लेना है, और अननोन टर्म को एज इट इज रखना है। सिमिलरली 1.2, 1.7, 0.07 MV2 एंड 0.84। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो कॉलम हो गया रेडी, मुझे अभी डिस्टेंस लेना है। बट डिस्टेंस का किससे लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस से लेते हैं, सॉरी रेफरेंस प्लेन से कंसिडर होता है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है रेफरेंस प्लेन। तो देयर आर टू अननोन्स, ओके, इन फोर्स कपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीगॉन में, यहाँ पे कॉलम में, यहाँ पे दो अननोन से, एक है MV1, एक है MV2। तो मुझे अननोन में से एक को रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करना है, क्योंकि अननोन में से एक रेफरेंस प्लेन को अगर डिक्लेयर करता हूँ, एज अ रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करता हूँ, तो उसका ओन डिस्टेंस, खुद से खुद का डिस्टेंस होगा जीरो। तो वो टर्म आगे जाके क्या होगा, जीरो। सो दिस इज अ रूल फॉर सिलेक्टिंग एज अ रेफरेंस प्लेन। आपको क्या करना है, अननोन टर्म में से क्या करना है, एक को रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर करना है, तो उसका खुद से खुद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। सो यहाँ पे मैंने MV1 को चूज किया एज अ रेफरेंस प्लेन, तो यहाँ पे शो किया हमने एज अ रेफरेंस प्लेन, हमने किसको बोला है, MV1 को, ओके। दिस इज अ रेफरेंस प्लेन, RP। तो रेफरेंस प्लेन का लॉजिक है,
रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में जाता है तो मुझे पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, और बैक साइड में जाता है तो मुझे उसको निगेटिव डिस्टेंस लेना है। ओके, सो मास M1 जो है वो रेफरेंस प्लेन के बैक साइड में कितने mm से है, 100 mm से। तो मुझे इसका कन्वर्जन करके लेना है मीटर में, तो 100 mm में 0.1 मीटर, सो बैक साइड में तो -0.05। ओके, नेक्स्ट व्हाट अबाउट MB1, उसका खुद से खुद का डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। नेक्स्ट M2, M2 का डिस्टेंस आगे है राइट साइड में है, सो टेक इट एज पॉजिटिव। 100 mm में 0.1 मीटर, उसका हाफ कितना आएगा, ये डिस्टेंस 50 mm है, सो 0.05। नेक्स्ट M3 का डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, सो यहाँ से आपको यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, पूरा मैथमेटिकल टर्म है। सो टोटल कितना डिस्टेंस है, 180 mm। सो टोटल डिस्टेंस 180 mm, पीछे का माइनस कर दो, 180 माइनस 50 रहेगा 130 mm, 0.13 मीटर। ओके, नेक्स्ट MB2, सो MB2 मुझे मतलब ये डिस्टेंस लेना है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 300 माइनस 180, मतलब ये जो गैप है वो 120 का गैप है। ओके, सो 120 का हाफ कितना होगा, 60 mm। तो यहाँ तक का ऑलरेडी डिस्टेंस है 130, 130 प्लस 60 कितना होगा, 190 mm, तो 0.190। एंड फाइनली फाइनली कितना था, ये अगेन 60, सो 190 प्लस 60 दैट इज 250, 0.250 मीटर में कन्वर्जन किया है। नेक्स्ट 1.2, इट इज 0.05, सो यू विल गेट -0.06, 0.07 MB1 इंटू 0, 1.2 इंटू 0.05, 0.06। सो सिमिलरली आपको ये करना है, कॉलम सॉल्व करके लेना है। ओके, सो ये लीनियर पोजिशन, एंगुलर पोजिशन एंड टेबल शुड बी ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड पेज। सो डेटा आपको जो यूज करना है फोर्स पॉलीगॉन कपल पॉलीगॉन में, वो राइट साइड में आपके सामने रहेगा। ओके, सो सबसे पहले अभी ड्रॉ करें हमें फोर्स पॉलीगॉन एंड कपल पॉलीगॉन। सबसे पहले आपको चूज करना है कि मुझे कपल पॉलीगॉन सॉल्व करना है कि फोर्स पॉलीगॉन चूज करना है। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ अननोन सबको टेबल में देखने हैं, तो यहाँ पे दो ही कॉलम इम्पोर्टेंट है, एक फोर्स का और दूसरा कपल का। तो फोर्स कॉलम में MB1, MB2, दीज आर टू अननोन टर्म्स। व्हाट अबाउट कपल पॉलीगॉन, सॉरी कपल कॉलम, देयर इज ओनली वन टर्म इज अननोन, दैट इज MB2। सो एक ही अननोन है, तो एक ही अननोन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद मुझे MB2 मिल जाएगा। जैसे मुझे MB2 मिला, मैं फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगा तो मुझे MB1 मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं चूज करता हूँ कपल पॉलीगॉन को, क्योंकि वहाँ पे एक ही अननोन है, वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया कपल पॉलीगॉन। ओके, तो यहाँ पे अभी दूसरे रूल्स हैं ग्राफिकल मेथड में। नोट, पॉजिटिव डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड नेगेटिव डिस्टेंस टुवर्ड सेंटर, रेफर एंगुलर पोजिशन डायग्राम। रेफर एंगुलर पोजिशन डायग्राम, पॉजिटिव हुआ तो अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड सेंटर। लेट्स सी, यहाँ पे जो डिस्टेंस है कपल है, दिस इज अ माइनस जीरो एंड देन पॉजिटिव टर्म्स। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो आपको देखना है उसका नेगेटिव साइन। और ये 0.06 कौन से मास का कपल है, M1 का। तो M1 का पोजीशन आपको देखना पड़ेगा एंगुलर पोजीशन में, कहाँ पे है, 0 डिग्री पे। ओके, 0 डिग्री पे, बट दिस इज अ माइनस 0.06, सो माइनस मीन्स टुवर्ड सेंटर, पॉजिटिव मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सो अगर मैं यहाँ पे, मुझे कैसे जाना पड़ेगा, टुवर्ड सेंटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कपल क्या है, माइनस 0.06 टुवर्ड सेंटर। तो यहाँ पे
एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया, ओ और मुझे मुझे उसका पोजीशन पता चला, मुझे कहाँ पे जाना है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में और 0 डिग्री पे, क्योंकि तो निगेटिव है। ओके, तो इनिशियल मुझे कैसे जाना पड़ेगा, टुवर्ड्स सेंटर। नेक्स्ट, तो एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके लेनी है। नेक्स्ट MB1, वो तो 0 है, स्किप करो उसके। नेक्स्ट प्लस 0.06, और वो किसका है, M2 का है। तो प्लस मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ M2, 65 डिग्री। तो 65 डिग्री पे आपको क्या जाना है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, सो अवे फ्रॉम द सेंटर। सो यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रख के 65 डिग्री का एंगल लेना है, अवे फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट 0.221 पॉजिटिव टर्म है, एंड M3, व्हाट इज द एंगुलर पोजिशन ऑफ M3, दैट इज 145 डिग्री। सो 145 के बाद पॉजिटिव है, इसलिए अवे फ्रॉम द सेंटर। सो यहाँ इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, 145 डिग्री पे, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, नेक्स्ट 0.013 M2, दिस इज अननोन टर्म, तो उसको स्किप करना है, फिर नेक्स्ट टर्म पे जाना है, दैट इज 0.21 M4, और M4 का पोजिशन कहाँ पे है, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड में, 270 डिग्री पे, और पॉजिटिव है, इसलिए अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, सो यहाँ से अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मुझे यहाँ से एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके लेना है, ये दिखेगा कैसे। तो इनिशियल ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ओके, तो यहाँ से अब फिर इसको देख के आप प्लानिंग करना है कि ये डायग्राम आप कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो समटाइम्स होता क्या है कि अगर सपोज इफ यू स्टार्टेड ड्राइंग हियर, काफी राइट साइड में सॉल्व कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसका डायग्राम कैसे शो होगा, और आपने स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, या तो फिर चांसेस हैं कि आपने यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, रेफरेंस पॉइंट O, और मे बी उसके चांसेस है वो बाहर जाने के। ओके, देन वापस से रफ करने के लिए काफी टाइम जाएगा। सो एक रफ डायग्राम से आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको डायग्राम एग्जैक्टली कहाँ पे ड्रॉ करनी है, उसको कहाँ पे ज़्यादा स्पेस लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मुझे लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्पेस लगने वाला है। नेक्स्ट, मैंने डायग्राम का तो मुझे शेप पता चल गया, बट मुझे वो डिस्टेंसेस नहीं पता है। तो डिस्टेंस आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ। कपल पॉलीगॉन, फोर्स पॉलीगॉन का हर एक का जो साइज है वो डिपेंड करता है स्केल पे। मतलब कोई बच्चा अगर कोई और स्केल चूज करता है तो उसका डायग्राम काफी छोटा आ सकता है, कोई बच्चा अगर स्केल प्रॉपरली चूज करता है तो उसका पेज में भी मैनेज हो सकता है। तो यहाँ पे स्केल सिलेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे स्केल आपको डिसाइड करनी है, देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे मिनिमम 0 है, तो उसको स्किप कर दो, वो तो एज अ पॉइंट आ जाएगा। ओके, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखो, ये भी अननोन टर्म है, स्किप कर दो उसको। 0.06, 0.06, 0.221, 0.21। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 0.221, 0.221। ओके, और मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0.06 अपार्ट फ्रॉम 0। तो मैंने स्केल में उसको कंसिडर किया 0.06 kg m², एटलीस्ट को 2 सेंटीमीटर का दिखना चाहिए डायग्राम। ओके, अदरवाइज अगर उसको 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ तो वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, आप उसको मेजर भी नहीं कर पाओगे कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। सो बेटर है कि ट्राई करो कि मिनिमम वैल्यू जो है एटलीस्ट वो 2 सेंटीमीटर का विजिबल हो। तो अगर 0.06 kg m² इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो 1 सेंटीमीटर मुझे कितना मिलेगा, 0.03 kg² तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन करके लेना है, 0.06 को कितना लगेगा, 2 सेंटीमीटर, 0.06 को 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.221 डिवाइड बाय 0.03, सो यू विल गेट 7.4 सेंटीमीटर। ये अननोन है, स्किप कर दो। नेक्स्ट 0.21 डिवाइड बाय 0.03, सो यू विल गेट सेंटीमीटर में आपको डिस्टेंस मिलेगा। सो जस्ट वेट, आई विल शो यू हियर कैलकुलेटर।
इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेट इट बी, सपोज ये डिस्टेंस है 0.221, आपको इसका कन्वर्जन करना है सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे 0.221 और आपका जो सेंटीमीटर का है दैट इज 0.03, ट्राई करके देखो कितना आता है, 0.221 डिवाइड बाय 0.03, 7.36, सो 7 पॉइंट आपको मिलेगा 4 सेंटीमीटर। सो जी यहाँ पे आपको जितने भी वैल्यूज है उसको 1 सेंटीमीटर में कन्वर्जन करके लेना है, और ये आपको एक पेंसिल से ये डिस्टेंसेस लिख के लेने हैं। ओके तो सबसे पहले देखते हैं, चलो मैंने डिस्टेंसेस भी लिख दिया, ये अननोन था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। सबसे पहले है फर्स्ट है जिसका शेप पता है, 2 सेंटीमीटर 0 डिग्री पे टूवर्ड सेंटर, तो मुझे 2 सेंटीमीटर टूवर्ड सेंटर, तो मैंने 2 सेंटीमीटर पे 0 डिग्री पे सरफेस पे मुझे पॉइंट मिला ए। नेक्स्ट 0 है स्किप कर दो, M2 का एंगल कितना है 65 डिग्री, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, तो अवे फ्रॉम द सेंटर 65 डिग्री पे आपको पॉइंट मिलेगा मास 2, इसको मैं बी बोलता हूँ, या तो फिर आप 0 1 2 3 बोला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 7.4 सेंटीमीटर, ओके बट M3 का एंगल कितना है यहाँ पे पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर है दैट इज 1.145 डिग्री सेल्सियस, तो आपको 7.4 सेंटीमीटर एंगल पे जाने 145 है। हमने क्या किया एंगल ले लिया, ओके और अप टू 7.4 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगा ये। नेक्स्ट M4 कहाँ पे है टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, और नीचे जाना है एग्जैक्टली 270 डिग्री पे, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड 7 सेंटीमीटर पे। सो यू विल गेट सी एंड डी, गॉट इट। सो यहाँ पे एंगल पॉजिटिव नेगेटिव और डिस्टेंस इन तीनों पैरामीटर्स को यूज करके आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, बट ये जो पॉलीगॉन है वो क्लोज पॉलीगॉन नहीं है। If it is not a close, then there is a some unbalance. Couples are present. तो हमें उसको क्या करना है? Balance करना है. तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? Close करना पड़ेगा. तो मैंने starting point and end point मैंने क्या किया? Dotted line से show किया. तो आपको क्या करना है? अभी फिलहाल O to D. O to D. आपको डिस्टेंस क्या करना है मेजर करना है, ओके डी डैश ओ डैश ये आपको क्या करके लेना है मेजर करना है कि उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो वो मुझे डिस्टेंस आ रहा था 7.5 सेंटीमीटर, बट गाइस मुझे सेंटीमीटर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कपल के फॉर्म में चाहिए, तो आपको करना क्या है जो अननोन टर्म्स था इज इक्वल टू जो डिस्टेंस मिला सेंटीमीटर में इनटू स्केल करना है, तो उसका कन्वर्जन होगा केजी मीटर स्क्वायर में। सो अननोन क्या टर्म था ओ डैश डी डैश, अननोन क्या था 0.013 mb2, 0.013 mb2, ओके। नेक्स्ट मुझे डिस्टेंस मिला मुझे 7.25 सेंटीमीटर, और इनटू स्केल मैंने कितना लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.03, सो यू विल गेट mb2, ओके। सो दिस इज अ कॉमन प्रोसीजर, जो अननोन मिलेगा उसका डिस्टेंस मेजर करो, उसको स्केल से मल्टीप्लाई करो और इज इक्वल टू जो अननोन था वो टर्म वहाँ पे लिख दो, तो मुझे mb2 मिल गया, बट स्टिल आई डोंट नो एंगल। तो यहाँ पे देखो मुझे अगर इस पॉलीगॉन को मुझे क्लोज करना है तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे आपको एंगल देखना है, फिलहाल अभी आपको एंगल मेजर करना है क्योंकि यहाँ पे पोजिशन ऐसी है, अगर मैं उसको जूम करता हूँ तो
एंगल आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आपको अभी क्या करना है, उसको एक्सटेंड करके लेना है और ये एंगल मेजर करना है, और वो आता है अराउंड 7 डिग्री सेल्सियस। ओके, 7 डिग्री आता है। सो ये ट्राई करके देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इससे हमें पता चला टुवर्ड सेंटर क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर क्या है, तो इसके लिए मैंने एंगुलर पोजिशन के डायग्राम देखे। फिर उसके बाद मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, फिर मैंने टेबल को यूज करके मैंने उसको स्केल में कन्वर्ट करके मैंने डिस्टेंसेस फाइंड आउट किया। ओके, फिर ये सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे यूज करके मैंने पॉलीगॉन ड्रॉ किया, बट वो क्या था, क्लोज नहीं था, तो मैंने उसको क्लोज करके दिया। ओके, क्योंकि यहाँ से निकला, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एरो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो फिर जो डिस्टेंस मिला इनटू स्केल किया इज इक्वल टू अननोन टर्म किया, यू विल गेट एम्बिट्यूड। फिर यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एंगल कैसे जा रहा है, नीचे से आ रहे ऊपर, तो ये पार्ट नहीं था, सिर्फ यहीं तक था, तो वो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ के रहेगा, 0 to 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तो वो 7 डिग्री है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, चलो मुझे अभी MB2 पता चल गया। सो मुझे MB2 पता चल गया, तो 0.07 और MB2 का टर्म देखो कितना आ रहा था, 16.35। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लो, यू विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू। फिर यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, सिर्फ MB1। तो अभी मुझे सॉल्व करना है फोर्स पॉलीगॉन के लिए, तो फोर्स पॉलीगॉन के लिए सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1.2 किसका, M1 का पॉजिटिव है, M1 कहाँ पे, 0 डिग्री पे पॉजिटिव है, मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं, सपोज मैं एक पॉइंट का सिरा करता हूँ, पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये इनिशियल पॉइंट का 0, ये था 1 मास M1 का। नेक्स्ट ये अननोन है, स्किप कर दो। M2 पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वो एंगल कितना है, 65 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 65 डिग्री पे है, तो 65 डिग्री पे मुझे मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। सो एक मिनट, मेन ओरिजिनल डायग्राम खराब हो गया है, आपको रफली ड्रॉ करके दिखाता हूँ दूसरी जगह पे। ओके, लेट्स सी, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ओ पॉजिटिव है M1, सो अवे फ्रॉम द सेंटर, सो इट विल गो टुवर्ड्स दिस, अवे फ्रॉम द सेंटर, सो 0 1। नेक्स्ट अननोन है MB1, स्किप कर दो। नेक्स्ट M2, M2 कहाँ पे, 65 डिग्री पे पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर, सो यू विल गेट पॉइंट नंबर 2। थर्ड वन M3, M3 है 145 डिग्री पे पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सो यू विल गेट पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट M4 कितना है, 0.84। MB2 अननोन था, बट बाद में मैंने उसको सॉल्व किया, तो आपको इसको क्या करना है, बाद में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा M4 को, जस्ट वेट, इट्स नॉट स्ट्रेट प्रॉपरली, वापस मैं M3 को ड्रॉ करता हूँ, 145 डिग्री मुझे 3 मिला, और M4 क्या था, पॉजिटिव था, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उसको मैंने ड्रॉ किया, मुझे M4 मिला। ओके, उसके बाद हमने जो फाइंड आउट किया था MB2,
वो आ रहा था 14, और MB2 का पोजीशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं, हमें कितना मिला था कपल पॉलीगॉन से 7 डिग्री, तो हमने उसको बाद में ये ड्रॉ किया 7 डिग्री का, तो मुझे यहाँ पे 7 डिग्री पे एक लाइन बनाना है, वो रहेगा MB2 का। बट अगेन इट्स नॉट अ क्लोज लुक, तो आपको क्या करना है उसको ज्वाइंट करके लेना है डॉटेड लाइन से, और वो कैसे जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा, मीन्स यहाँ पे उसका एंगल कहाँ पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसको एक्सटेंड करके लेना है और फिर उसको एंगल मेजर करना है। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका ये आपको रफ डायग्राम मिल जाएगा, तो अभी इसका क्या करना है, स्केल डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखो कितना है, 0.07, ये तो अननोन टर्म है, सो स्किप कर दो, मुझे ये 14 1.4 पता है, 0.84 पता है, 1.2 पता है, तो 0.84 एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर में उसको कंसिडर करता हूँ। ओके 0.84 को मैं एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर कंसिडर करता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, कन्वर्जन करूँगा, तो यहाँ पे 1.2 डिवाइड बाई 0.84 कर दो, 1.2 0.84 कर दो, 1.7 0.84 कर दो, यहाँ पे 1.4 है 0.84 कर दो, ये तो 1 सेंटीमीटर आएगा, तो इसका कन्वर्जन करके लेना है, एंड फाइनली यू विल गेट दिस डायग्राम। ओके सो ये आपका क्या रहेगा, अननोन टर्म। सो ये था 0, ये 1, ये 2, 3, यहाँ पे प्रॉपरली स्केल चूज नहीं किया था इसलिए काफी छोटा डायग्राम आया, 4 एंड 5। ओके सो अगेन वो डिस्टेंस मेजर करो, दैट इज OQ, यहाँ पे 2.45 इंटू क्या करोगे, स्केल करोगे, इज इक्वल टू अननोन टर्म, सो फाइनली यू विल गेट थीटा B1। और यहाँ पे एंगल कहाँ पे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, सो ये एंगल मेजर करो, सो यहाँ पे सिचुएशन कैसी है ऐसी। ओके तो अगर मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ तो फिलहाल एक काम करो, ये एंगल मेजर कर दो और उसमें 180 डिग्री ऐड कर दो, देन यू विल गेट 225 डिग्री सेल्सियस। ओके सो दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स, बट प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, फिर भी इसको 45 मिनट्स के ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी मैं सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ एनालिटिकल मेथड से। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ, आपके सजेशन के ऊपर काम करूँगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं, इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोज़ भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीस भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।